गई ईशा देओल की 12 साल पुरानी शादी। हर छोर माँ हेमा के साथ रह रही है ईशा। क्या पति का अफेयर बना दोनों के रिश्ते में दरार की वजह? दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने भी अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर चलते हुए एक्टिंग में अपना करियर बनाया। उन्होंने अब तक एक करियर में कई फिल्मों में काम किया है। हालांकि उन्हें अपने पेरेंट्स की तरह सफलता नहीं मिली। पर्सनल लाइफ की बात करें तो ईशा ने बिजनेसमैन भरत अक्तानी से 29 जून 2012 को मुंबई के इस्कॉन मंदिर में एक सिंपल सेरेमनी में शादी की थी। दोनों की दो बेटियां राधे तक्तानी और मिराया तक्तानी हैं। ऐसी अफवाह है कि ईशा और भरत एक दूसरे से अलग हो गए हैं और उन्होंने ऑफिशियल रूप से एक साथ दिखना बंद कर दिया है। हाल ही में हमारी नज़र एक रेडिट पोस्ट पर पड़ी जिसमें बताया गया था कि कैसे ईशा देओल के पति भरत अक्तानी ने उन्हें धोखा दिया है। पोस्ट में नेटिजन ने दावा किया कि उन्होंने बेंगलुरु में एक पेड पार्टी में भरत को उनकी कथित गर्लफ्रेंड के साथ देखा था, जबकि भरत की गर्लफ्रेंड के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। लेकिन नेटिजन ने शेयर किया कि वे बेंगलुरु में रहती हैं। रेडिट पर पोस्ट शेयर किए जाने के तुरंत बाद नेटिजन ने कमेंट सेक्शन में उस पर अपने रिएक्शन की बाड़ लगा दी। एक नेटिजन ने कमेंट में लिखा, मुझे लगा कि भरत एक सज्जन व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी और परिवार से प्यार करते थे। ये एक चौंकाने वाली खबर है। एक और ने लिखा, क्या वह वाकई उनकी गर्लफ्रेंड है? ऐसा लगता है कि ईशा के पति सास और उनके भाइयों के साथ भी अच्छे संबंध है। वही एक और ने लिखा, अफवाहें थी भरत ने ईशा पर चीट किया। वही एक और ने लिखा, ईशा उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी नहीं करती। आपको बता दे, ईशा देओल एक फिल्मी परिवार से है और भरत तक्तानी एक बिजनेस परिवार से है। तक्तानी फैमिली में ईशा पहली बहू थी बिल्कुल सत्ते पे सत्ता फिल्म में अपनी माँ के किरदार की तरह, लेकिन वह परिवार में इतनी फिट बैठ गई थी कि भरत उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। 2013 में फिल्म फेयर के साथ एक इंटरव्यू में भरत ने इस बात पर बात की थी। उन्होंने कहा था, यह संभव लगता है कि फिल्मी परिवार से कोई है और मैं जो एक बिजनेस परिवार से हूँ कभी एक साथ आएंगे। वे हमारे साथ चचेरे भाइयों के संयुक्त परिवार में पहली बहू है। वे मेरी माँ का ख्याल रखती है, उनके मूड का ख्याल रखती है। वे बहुत अच्छी तरह घुल मिल गई है। दरअसल ईशा हमेशा से ही घरेलू रही है। वे हमेशा करने वाली और जिम्मेदार है। जानती है कि मुझे क्या खुश रखता है। मैं खाने का शौकीन हूँ और मैं खाने के लिए ही जीता हूँ और वह इस बात का ध्यान रखती है। मेरा पसंदीदा खाना घर पर तैयार किया जाता है। वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो चाय बनाना नहीं जानता था, उसने अभी कुछ दिन पहले खोए सोए पकाए थे। फिलहाल ईशा और भरत के अलगाव की अफवाहों और बिजनेसमैन के रूमर रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।